फ्रेंड्स टू द इंग्लिश स्टडी चैनल। आज हम पोएट्री सेक्शन के फोर्थ पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड की ओर चलते हैं, जिसके लेखक हैं हेनरी एल्डिराजियो। 11th क्लास की ये पोएम है। हेनरी एल्डिराजियो एक इंडियन पोएट थे, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थे। इन्होंने बहुत ही जीवन के शॉर्ट, बहुत ही कम समय में बहुत सुंदर पोएम्स दी हैं, जो इंडियन हिस्ट्री में इनके नाम को अमर कर गया। ये एक देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है। कविता के बैकग्राउंड पर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, उसे पूजा जाता था। ब्रिटिश काल में इस देश को लूटा गया, धर्महीन बनाया गया, वरना इसके पहले सोने की चिड़िया कह कर के इसको मान और सम्मान दिया जाता था। कवि वर्तमान काल में जो धन संपदा का ह्रास हुआ है, उससे बहुत दुखी हुआ और उसने ये देशभक्ति से ओतप्रोत कविता लिखी है। चलते हैं पंक्ति की ओर। माई कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, अ ब्यूटियस हालो सर्किल्ड राउंड दाई ब्रो। माई कंट्री, मेरा देश अर्थात इंडिया, भारत। इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, ग्लोरी मीन्स होता है गौरवशाली, पास्ट अतीत, अ ब्यूटियस हालो, ब्यूटियस माने सुंदर, अत्यधिक सुंदर, हालो तेज चमक, आभा मंडल, सर्किल्ड राउंड दाई ब्रो। ब्रो माने होता है मस्तिष्क, सर्किल्ड चारों ओर घेरे में, एंड वर्शिप्ड एज ए डेटी दाऊ वाज। डेटी माने देवी, देवता, वर्शिप्ड पूजा जाना। वाज वेयर इज द ग्लोरी माने यस कीर्ति, वेयर दैट रिवरेंस नाउ, रिवरेंस होता है मान सम्मान। अर्थ देखते हैं। माई कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, कवि हेनरी एल्डिराजियो कहता है, अतीत काल में मेरा देश, अ ब्यूटियस हालो सर्किल्ड राउंड दाई ब्रो, बहुत ही भव्य था, बहुत ही महान था, एक गौरवशाली देश था, एक सुंदर आभा मंडल इसके मस्तिष्क के चारों ओर घूम रहा था। भारत की यश पताका संसार में गूंज रही थी। एंड वर्शिप्ड एज ए डेटी दाउ वास्ट, और इस देश को देवी देवताओं की तरह पूजा जाता था। वेयर इज दैट ग्लोरी, वेयर दैट रिवरेंस नाउ। कवि दुखी है और वो प्रश्न करता है भारतवासियों से कि वेयर इज दैट ग्लोरी, वह यश कहाँ है, वह गौरव कहाँ है, वेयर दैट रिवरेंस नाउ, उसका मान सम्मान अब कहाँ पर है। नेक्स्ट स्टेंजा देखें। द ईगल पिनियन इज चेंड डाउन एट लॉस्ट, ईगल पिनियन, ईगल पक्षी का नाम है। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ईगल पिजिन, पिनियन का मतलब है सोने की चिड़िया। दाई ईगल पिनियन इज चेंड डाउन, और तुम्हारी सोने की चिड़ियों को, तुम्हारी सोने की चिड़िया को चेंड डाउन, जंजीरों से जकड़ दिया गया है। एट लास्ट अंत में, एंड ग्रोवलिंग इन द लोली डस्ट आर्ट दाउ, एंड ग्रोलिंग, ग्रोलिंग मीन्स होता है भय में होना, इन द लोली डस्ट,
लोली माने होता है तुच्छ अवस्था, निम्न अवस्था, डस्ट माने धूल धूसरित होना। दाई मिनिस्ट्रल हैथ नो रीथ टू वीव फॉर दी, मिनिस्ट्रल लोक गायन, जो लोक गायक होते हैं मिनिस्ट्रल कहा जाता है, लोक संगीत को बिखरते हैं, भारत की महिमा का वर्णन लोक गीतों के माध्यम से करने वाले मिनिस्ट्रल कहलाते हैं, चारण कवि पोएट जो भी कहें। हैथ नो रीथ, रीथ माने होता है पुष्पमाला, फूलों की माला, फूलों का हार, पुष्पाहार, टू वीप फॉर दी, दी माने तुम्हारे लिए यानी देश के लिए, शेयर द सैड स्टोरी ऑफ दाई माइजरी, माइजरी माने होता है दयनीय स्थिति। अर्थ देखें, द ईगल पिनियन इज चेन्ड डाउन एट लास्ट, भारत अतीत में भव्य था, संपन्न था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पूरे देश में उसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, किंतु ब्रिटिश काल में उसकी इस भव्यता का ह्रास किया गया। कवि कहता है दाई ईगल पिनियन इज चेन्ड डाउन, तुम्हारी सोने की चिड़िया के पैरों को जंजीरों से जकड़ दिया गया, एंड ग्रोवलिंग इन द लोली डस्ट आर्ट दाऊ, और भय में कर दिया गया, उसे तुच्छ अवस्था में, भारत माँ को तुच्छ अवस्था में पहुंचा दिया गया, उसे धूल धूसरित कर दिया गया। द मिनिस्टर हैथ, द मिनिस्ट्रल हैथ नो रीथ, लोक गायकों के पास देश की प्रति उसकी यश गाथा को गाने के लिए कोई पुष्पाहार नहीं है। शेयर द सैड स्टोरी ऑफ द माइजरी, केवल अब भारत माँ की दयनीय अवस्था की दुखपूर्ण कहानी ही शेष बची है। चलते हैं अंतिम स्टेंजा की ओर। लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम, कवि कहता है वेल लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस दैट हैव रोल्ड अ वेरी फ्यू फ्रैगमेंट्स ऑफ दोज रीक सबलाइम विच ह्यूमन आइज मे नेवर मोर बी होल्ड। वेल ठीक है, लेट मी डाइव, मुझे उतरने दो, मुझे जाने दो, इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम, समय की गहराई में, अर्थात बीते हुए समय की गहराई में मुझे जाने दो, एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस दैट हैव रोल्ड, और बीते हुए समय से लाने दो क्या, ए फ्यू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, टुकड़े, फ्रैगमेंट्स माने टुकड़े, आप दोज रीक्स, रीक्स माने होता है मलबा, अवशेष, सबलाइम माने उत्कृष्ट, विच ह्यूमन आइज में नेवर मोर बी होल्ड, ह्यूमन आइज मानव की आंखें, बिहोल्ड देखना, एंड लिट द गार्डन ऑफ माई लेबर, गार्डन, गार्डन माने होता है पुरस्कार, ऑफ माई लेबर माने श्रम, माई फॉलन कंट्री, मेरी पतित पावनी मातृभूमि या देश, वन काइंड विश फ्रॉम दी, काइंड विश, दयालुतापूर्ण विश करना, इच्छा करना। अर्थ देखते हैं, वेल लेट मी डाइव इन टू द डेप्थ ऑफ टाइम, कवि कहता है कि मुझे समय के गहराई में जाने दो, अर्थात जो समय बीत गया है उसकी गहराई में मुझे जाने दो, एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस दैट हैव रोल्ड, और जो समय बीत गया है,
जो समय रोल्ड हो गया, बीत गया है, ब्रिंग आउट द एजेस दैट हैव रोल्ड, जो समय बीत गया है उससे कुछ लाने दो, अ फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट्स अब दोज रीक सम लाइन, उस मलबे से, उस अवशेष से कुछ उत्कृष्ट चीजों के टुकड़ों को मुझे बाहर लाने दो, भारत के अतीत के बारे में जो अच्छी चीजें लिखी थी उनमें से कुछ अच्छी चीजों को मुझे बाहर लाने दो, विच ह्यूमन आइज में नेवर मोर बी होल्ड, जिनको मानव की आंखें अब कभी देख नहीं सकती हैं, उन चीजों को मुझे बाहर लाने दो, एंड लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर बी, और लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर, और मेरे परिश्रम का मुझे इनाम दो, माई फॉलन कंट्री, जो मेरा देश पतित हुआ है, निम्न अवस्था में पहुंचा है, वन काइंड विश फ्रॉम दी, उसके लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो उसकी स्थिति हुई है, गर्त में गया है, निम्न अवस्था में प्राप्त हुआ है हमारा देश, उसको एक अच्छी इच्छा के साथ पुनः वापस गौरव उसका प्राप्त हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिकाधिक अपने मित्रों को शेयर करिए।